हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोचुकेशन। गाइस, कल जैसा कि सीबीएसई ने 12th बोर्ड का रिजल्ट आउट कर दिया है, देखा गया है कि ज़्यादातर सभी बच्चों को 95% से ऊपर ही मार्क्स मिले हैं। सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फाइनली 12th पास कर चुके हैं एंड फाइनली रिजल्ट आ चुका है। सो, अब रिजल्ट के बाद बारी आती है एक और बड़े स्टेप की, जो है कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो दोस्तों, कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस भी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि दोस्तों, आपको जैसे कि पता ही होगा कि जो भी कट ऑफ्स होती हैं वो सब मोस्टली सीबीएसई के रिजल्ट पर ही बेस्ड होती हैं। तो क्योंकि सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है, तो डीयू एडमिशन प्रोसेस भी बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि अब जब रिजल्ट आ चुका है तो एडमिशन कब तक स्टार्ट हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंटली कि जो कट ऑफ है वो कितनी बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो दोस्तों, इस पे मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगी। ये आर्टिकल है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का। आप लोग जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्टिकल का टाइटल है कट ऑफ्स फॉर मेनी यूजी कोर्सेज लाइकली टू गो अप इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रिंसिपल साइट मोर सीबीएसई स्टूडेंट्स स्कोरिंग ओवर 95% एज रीजंस। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि इस बार 12th क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ने 95% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं। इसी रीज़न की वजह से जो इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ है, हर साल की तरह इस बार और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दी जाएगी। एक बार रीड कर लेते हैं थोड़ा और इस आर्टिकल को। प्रिंसिपल ऑफ सेवरल कॉलेजेस अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑन फ्राइडे सेड दैट द कट ऑफ्स फॉर वेरियस मेरिट बेस्ड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आर लाइकली टू गो अप दिस ईयर ड्यू टू हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव 95%। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि कट ऑफ किस तरह से डिसाइड की जाती है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। कट ऑफ कितनी जाएगी, ये डिपेंड करता है कि उस कोर्स के लिए कितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं और उन रजिस्टर्ड लोगों के कितने परसेंटेज आए हैं। तो दोस्तों, इस बार काफ़ी सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करी है। हर साल ये नंबर हमेशा इंक्रीज ही होता है, तो इस बार भी बहुत से रजिस्ट्रेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखने को मिले हैं। और अब 12th का रिजल्ट भी आ गया है, जिसमें अभी हमने रीड करा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 95% से ऊपर मार्क्स लेकर आए हैं। तो इन्हीं दो फैक्टर पर मेजरली आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। अगर ये दोनों चीज़ें हाई हैं तो कट ऑफ भी डेफिनेटली हाई ही जाएगी। और इसमें अगर देखा जाए तो आगे ये भी बताया गया है कि इस बार लगभग 70,000 के आसपास सीटें दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करेगी। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट ईयर 38,000 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो थे वो 90 से ऊपर आए थे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और इसी के चलते जो द लेडी श्रीराम कॉलेज है, उसकी कट ऑफ गई थी 100% तीन कोर्सेज के लिए। तो अब आप लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस साल भी कुछ ऐसे ही दृश्य हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर कई कॉलेजेस की कट ऑफ डायरेक्टली 100% तक भी जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, बहुत ही सिंपल सी वीडियो है। इसमें मैंने सिर्फ ये कवर करा है कि जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देयर इज़ नो वे फॉरवर्ड, कट ऑफ ने बढ़ना ही है और ये तय है। बाकी जैसे ही कोई कट ऑफ या कोई और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बनाकर दे दूंगी। आई होप दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स और शेयर से ही मुझे इस तरह की और वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक्स पर देखना चाहेंगे। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें।